शहर के व्यस्ततम इलाके में दोपहर के समय अचानक मादा हिरण पहुंचने से उत्सुकता का वातावरण निर्माण हुआ, तो वही नागरिकों की सतर्कता से उसे घर में बंद कर वन विभाग खापा को सूचित कर मादा हिरण को नवजीवन प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के लीला श्री लॉन महाजन लेआउट ऐसे व्यस्ततम इलाके से शहर के मुख्य बाजार लाइन से होते हुए वसंता भुजाड़े के घर में दोपहर के समय अचानक जंगली मादा हिरण पहुंचा और घर वालों ने घर के दरवाजे बंद कर वन विभाग को सूचित किया। खापा वन विभाग के अधिकारी प्रवीण नायक द्वारा तुरंत ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पहुंची। साव ने रवाना कर उक्त मादा हिरण को पकड़कर उसके स्वास्थ्य की जांच कर उसे वन परिक्षेत्र खापा के जंगल में छोड़ा गया। इस विषय पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए आरएफओ प्रवीण नायक ने बताया, करीबी जंगल और खेतों से होते हुए उक्त मादा हिरण शहरी सीमा में पहुंचा, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। उक्त मादा हिरण को किसी भी प्रकार की कोई चोट या मार के निशान नहीं है। वो पूरी तरह से स्वस्थ होने के कारण उसे जंगल में छोड़ा गया, तो वही उक्त मादा हिरण को किसी ने कुछ दिन पूर्व पकड़कर लाकर अपने घर में कैद रखा तथा वहां से वह हिरण भागकर घनी बस्ती में पहुंचा। गुरुवार होने से और वहां से भाग जाने से उक्त हिरण की जान बची, वरना शुक्रवार के उसका क्रिसमस होना तय था। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसी भी प्रकार के वन्य जीवों को पकड़ना और उन्हें घर में रखना, उनका शिकार करना और वन्य जीवों का मांसाहार करना कानूनन बड़ा जुर्म है। वन्य जीवों की हिफाजत करना हम सभी की जवाबदारी है। किसी भी नागरिक को वन्य प्राणी अपने क्षेत्र में दिखाई दे तो नुकसान न पहुंचाते हुए तुरंत उसकी जानकारी वन विभाग अधिकारियों को दे, ऐसी अपील भी खापा वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रवीण नायक इन्होंने आम जनता से की है। एका घरात लपून असल्याची माहिती मिळाली, त्या अनुषंगाने मी रेस्क्यू टीम तत्काळ पाचारण केलं आणि लगेच आम्ही त्या मादा चितळला रेस्क्यू करून सुरक्षितपणे आम्ही पेंच व्याघ्र प्रकल्प नजीक असलेल्या खुबाळा रे राऊंडमध्ये आम्ही त्याला निसर्गमुक्त केलं। या अनुषंगाने आपण समस्त नागरिकांना विनंती करण्यात येत आहे की आपल्या शेतामध्ये किंवा इतरत्र आपल्याला वन्य प्राणी चितळ किंवा सांबार असं दिसून आलं असतं तरी तत्काळ वन विभागाला सूचित करावं, जेणेकरून त्यांच्या वनसंरक्षणासाठी पुढील उपाययोजना करणं आम्हाला शक्य होईल। धन्यवाद। NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।